खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। खुदा सर जी, सजाद बनाए खुला करें यार से। जी इस वक्त यहाँ पर सैलाब जदगान के लिए ट्रक्स रवाना किए जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में ट्रक्स हैं जिसमें अशिया खुरनोश मौजूद है, इस वक्त दुआ की जा रही है। जिन लोगों ने ये सामान दिया है अल्लाह ताला उनके घरों को खैर बरकत इज्जत और सुरूर सुकून से नवाजे, आमीन। चला दे ट्रकों को चला दे। सिराजुल्लाह साहब ये बताइएगा इन ट्रकों में कौन कौन सी ऐसी खुराक हैं जो कि वहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं, अशिया जो इसमें खेमे हैं, तरपार है और इसमें खुराक का सामान है, जिस तरह चावल के पैकेट हैं, घी के डब्बे हैं और कपड़े हैं, हत्ता के इसमें ज्योति भी हैं ताकि लोगों को हर चीज़ अवेलेबल हो। मजमूई तौर पर अब तक अलखिदमत फाउंडेशन कितनी रकम कैश में कलेक्ट कर चुकी है? हाथ नहीं छोड़ना। आज के दिन तक 2 अरब रुपए लोगों ने दिए हैं। पूरे पाकिस्तान से? पूरे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से, लेकिन अभी आ रहे हैं, ये तो वो है जो मरकज तक पहुँच गए हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं ये ट्रक इस वक्त यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए इसमें मुख्तलिफ अशिया खुरनोश अदवियात और खुश्क गज़ा मौजूद है। और अब तक जैसा कि सिराजुल हक साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान से 2 अरब से ज़ायद रकम मौसूल हो चुकी है। जावेद कसूरी साहब और नसरुल्लाह गुराया साहब जो जमात इस्लामी सेंट्रल पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं जावेद कसूरी साहब से कहूंगा कि इस डोनेशन के साथ साथ यहीं पर अपने ख्यालात का भी इजहार कर लें।